ये आप ये साइज इसका देखते हैं, यहाँ ये मोटा है, अब ये हीट में आएगा। और अब देखते हैं ये गौ माता 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसके गौमूत्र में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। और ये गाय को पीडी करने की, हाथ डालने की, गाय को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। गाय जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो गोपालकों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। गाय का हमने गौमूत्र लिया, ये प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो हम ये देखेंगे कि प्रेग्नेंट गाय का और नॉन प्रेग्नेंट गाय का क्या फर्क है। वो हम आपको खाली गौमूत्र के टेस्टिंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि गाय को पीडी मतलब प्रेगनेंसी चेक करने में घरेलू नुस्खा अपने हाथ से कैसे चेक हो जाता है उसका आज ट्रायल करेंगे। तो गाय जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक ही महीने में कैसे पता चल जाए उसका ट्रायल आज हम लेने वाले हैं, कि खाली 1 महीने में या 15-20 दिन में भी पता चल सकता है कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं। कई बार जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है, उसके लिए हमें डॉक्टर साहब को बुला के गाय के गर्भाशय के ऊपर हाथ रखवाना पड़ता है, और वो गोपालक के लिए भी भारी मुश्किल काम होता है और गौ माता के लिए भी भयंकर मुश्किल काम होता है। कारण क्या है कि उसमें गाय को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्या आप गौ माता का मूत्राशय देख के समझ सकते हैं कि गाय खाली है या प्रेग्नेंट, तो वो कैसे उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं, ये गौ माता का मूत्राशय अभी ये खाली है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं ये चारों ओर बड़ा हुआ है एकदम मोटा। और जब भी गौ माता ये आप ये साइज इसका देखते हैं, यहाँ ये मोटा है, अभी ये हीट में आएगा, क्योंकि अभी जब प्रेग्नेंट हो जाएगा ना गौ माता, प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो ऐसे हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इसके इसका मूत्राशय का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो एकदम पतला चुकड़ के सूख गया हो, ऐसे हो जाता है। ये सरसों का तेल है और इसको हम एक ड्रॉप बोतल में भर रहे हैं ताकि ये अपने उस काम के लिए आसान हो जाए, ड्रॉप गिराने के लिए। बहुत सारी चीज़ें देखने समझने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग अपनी पारंपरिक विद्या को ज़्यादा इग्नोर कर रहे, भूल रहे हैं। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जिसमें हम कम से कम खर्च में और कम से कम मेहनत में क्या सही काम कर सकते हैं, गौ माता प्रेग्नेंट है कि नहीं वो देखने के लिए ये घरेलू नुस्खा है। ये बिल्कुल बछड़िया है 2 साल की, उसके गौमूत्र में हम एक सरसों का तेल डालते हैं 2 बूंद और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, जैसे सरसों का तेल जैसा है वैसा एक सिंगल में ही घूम रहा है। और अब देखते हैं ये गौ माता 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसके गौमूत्र में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें सिंगल हो गया है और इसमें दाने दाने हो गए हैं। तो जो प्रेग्नेंट गाय होती है ना उसके गौमूत्र में जब आप सरसों का तेल डालते हैं तो वो एकदम दाने दाने हो जाते हैं। अभी दूसरी गौ माता में ट्राई करते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी जो गौमूत्र डाला है वो 7 महीना प्रेग्नेंट गाय का है। आप देख रहे हैं दाने दाने हो गया, अलग अलग से बिखर गया, अलग अलग ड्रॉप्स हो गए, सिंगल नहीं रहा वो। और ये खाली गौ माता का है जो प्रेग्नेंट नहीं है। ये 2 टिपा 2 बूंदे आपको दिख रही है, दोनों बूंद अलग अलग गिराई, वो सिंगल में है, उसके 4-5 टुकड़े नहीं हुए। ये गौ माता भी नॉन प्रेग्नेंट है, आपको हम पूरा प्रयास करेंगे, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, कोई गलती ना हो जाए। ये देखिए ये बूंद पूरा फैल गया, और इसमें देखिए इसमें बूंद का बूंद ही है, और इसमें और एक बूंद डालते हैं, ये पूरा फैल गया देखिए, और उसमें बूंद का बूंद ही है, ये पूरे गौमूत्र में हो गया और ये बूंद का बूंद ही पड़ा हुआ है। ये भी यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी प्लेट के ऊपर ये हो गया सरसों का तेल, और इसमें बूंद का बूंद ही है। तो खाली जो गौ माता है उसका
और जो प्रेग्नेंट है उसका, उसमें बहुत सारा अंतर रहता है। जैसे ये अभी प्रेग्नेंट का फिर से दिखाते हैं, ये अभी खाली 20 दिन हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है 15 से 20 दिन। एक ही बूंद गिराऊंगा मैं इसमें, आप देख रहे हैं ये खाली गोमाता का जैसे ही बता रहा है, लेकिन ये फैलना चालू हो गया है, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। इसमें और थोड़ा डाल के ट्राई करते हैं अपन, इसको हिला के भी ट्राई करते हैं। इसका एक दाना नहीं होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई है, ये दाना दाना ही रहेगा, सिंगल में नहीं होगा। तो ये गौमूत्र के अंदर सरसों की बूंदें डाल के हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो एक बहुत आसान तरीका है। ये यदि गाय 1 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है और उसके अंदर आप एक बूंद डालेंगे तो ये बूंद पूरे गौमूत्र के ऊपर फैल जाएगा, और यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो पानी के अंदर जैसे तेल का दाना रहता है वैसे दाना रहता है, इतना फर्क आ जाता है। और ये गाय को पीडी करने की, हाथ डालने की, गाय को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये लगभग हमारे दादा दादी की वंश परंपरा से चला आ रहा नुस्खा है, और इससे कई बार लोग, हमारे आसपास के लोग कई चेक कर चुके हैं, मतलब नुकसान वाला मामला है ही नहीं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको जो मूत्राशय वाला बताया कि जो गाय जब प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका मूत्राशय ऐसे फूला हुआ होता है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे चौंच हो जाती है, जैसे बगले की सांच होती है वैसे पॉइंट हो जाता है जो लास्ट पोर्शन है उसका, तो एक उससे भी पहचाना जा सकता है। उसी के साथ साथ जो गाय का मूत्राशय का बाहरी हिस्सा ऐसे खुला होता है, जैसे गाय प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो ऐसे बंद हो जाता है, जैसे अपनी कोड़ी होती है, समुद्र की कोड़ी निकलती है ना, ऐसे अंदर की ओर मुंह कर जाता है दोनों पार्ट ऐसे। तो ये ट्रेडिशनल तरीके है, इसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और ये कोई हम बड़ी बड़ी फेंक नहीं रहे, हमारा जो वंश परंपरागत अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि नए नए गोपालक जो है, कहीं पुराने गोपालकों को ये पता भी होगा परंतु नए नए जो गोपालक है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी परेशानी भी कम होगी, गाय की परेशानी भी कम होगी, खर्चा भी कम होगा और फाइनल डिसीजन में आ सकते हैं व्यक्ति। कई बार गाय के अंदर गर्भाशय चेक करने के लिए हाथ डालते हैं तो गाय भड़क जाती है, चटक जाती है, मानसिक रूप से त्रस्त हो जाती है, तो दूध भी कम कर देती है। कई बार जब अपन चेक करते हैं और बच्चे की मूवमेंट चेक करते हैं और गाय उछल कूद कर ले तो झटका लगने से कई बार बच्चा निकल भी जाता है, तो बहुत सारी समस्याओं से गौमाता को जूझना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि गौमाता भी परेशान ना हो और हम लोग भी परेशान ना हो, और गोपालन कैसे सरल हो, ये एक छोटा सा प्रयास है अपना। कभी मैं कुछ रेयर केस में मिस डिलीवरी हो जाती है, मैं डॉक्टर का दुश्मन नहीं हूँ, डॉक्टर गोपालन में बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरों के बिना गोपालन होना भी संभव नहीं है, परंतु जितना हो सके उतना अपन पहले हाथ से कर ले, अपने सारे काम सारी चिकित्सा में अपन प्रयास करें, उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाए तो गाय के भी हित में है, हमारे भी हित में है। और डॉक्टरों की कमी भी है, जल्दी से डॉक्टर साहब मिलते भी नहीं है, एक डॉक्टर होते हैं और पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा तहसील देखना होता है, तो उसका काम भी सरल होगा, हमारा काम भी सरल होगा और गौमाता का काम भी सरल होगा। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि ये पारंपरिक ट्रेडिशनल गोपालन विद्या ज़्यादा से ज़्यादा फैले, तो आप इस वीडियो को शेयर करके भी हमारे कार्य के सहपुण्यशाली बन सकते हैं, और इसके लिए गोपालकों के और गोमाता के भले के लिए भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन तक फैला सकते हैं। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।